खबर है जनपद से, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई मुद्दों को लेकर पूर्व एमएलए राम इकबाल सिंह सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने फोन टेपिंग, जासूसी कांड, किसान आंदोलन, कोविड की तीसरी लहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व बीजेपी एमएलए राम इकबाल सिंह ने कहा कि सरकार को फोन टेपिंग, जासूसी कांड की जांच करानी चाहिए और साथ ही सरकार को किसान आंदोलन पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार किसानों की मांगों को लेकर विचार करे। उन्होंने कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर बेहतर व्यवस्था को लेकर कहा स्वास्थ्य विभाग प्रशासन सतर्क नहीं है, जबकि बलिया में स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर हालत में है। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, क्या है पूरा मामला? पूरा स्वास्थ्य विभाग बलिया में ध्वस्त है। यहाँ पर इस समस्या को मैं कई बरस से उठा रहा हूँ। अब सरकार में होने के नाते बहुत लिहाज किया, लेकिन बलिया की जनता शोषण की जबरदस्त शिकार है। यह 34 लाख की आबादी का जिला और यहाँ के जिला अस्पताल पर न्यूरोसर्जन नहीं है। तो कितनी दिक्कतें आती हैं लोगों को और किस कहीं ना कहीं अभी भी ऑक्सीजन से लोग की मौत हुई है, उस पर क्या कहेंगे? जो ऑक्सीजन से भी अभी तत्काल में मौत की बातें आ रही हैं। एक तो थोड़े मैंने सीएमओ से भी कहा हूँ कि हमारे जो तो प्रधान हैं उनको मैं भर्ती कराया था, एक रात में 7 लोग मरे थे और कोविड अस्पताल में कोई ऑक्सीजन चेंज करने वाला नहीं था सिलेंडर को, और छटपटा कर 7 लोग मरे तो हमको फ़ोन करके भोर में ही रोने लगे, विधायक जी हमको निकलवा दीजिए यहाँ से। फिर मैंने सीएमओ को कहा कि बाबू घनश्याम सिंह को निकालो वहाँ से, वहाँ उसको मुर्दा घर बना कर रखा है, वहाँ झाड़ू भी नहीं लगता था। करोड़ों की लूट हुई है कोविड अस्पतालों के नाम पर, मरीजों के नाम पर करोड़ों की लूट हुई है। वहाँ नाश्ता तक नहीं मिलता था। जब मैंने इसको अनेकों बार उठाया तो वहाँ नाश्ता मिलने लगा और झाड़ू लगता था। वहाँ लोग शौच जाना नहीं चाहते थे, शौचालय में वैसे ही गंदगी, कोई वहाँ पर स्वीपर नहीं था कि उसको साफ करे। मैं पोछा की बात कहाँ से करूँ, और केवल मार्केटिंग हो रही थी झूठी। मैं वो गवाही दिलवा दूंगा कि 7 लोग मरे एक रात में ऑक्सीजन बिना, कोई सिलेंडर बदलने वाला नहीं था। ये जिम्मेदारी कहाँ फिक्स होनी चाहिए, कहीं होनी चाहिए कि नहीं? ये व्यवस्था नहीं की गई है कि जो लोग ऑक्सीजन बिना मरेंगे तो वहाँ के सीएमओ पर एफआईआर करके जेल में डाला जाएगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। जनता महान है, जनता के लिए सब सेवक हैं, घोर लापरवाही हुई है। तो जिस तरह से लापरवाही हुई है उसके खिलाफ आपने आज पत्र भी दिया है सीएमओ को, क्या है पत्र में? उसमें क्या पत्र आपको भी दे देता हूँ। पत्र में ये है किन मांगों को लेकर दी, कोविड के लिए भारी मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए, और रसना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेजुरी में व्यवस्था 30-30 बेड की होनी चाहिए और 5-5 वेंटिलेटर लगना चाहिए। ये मेरी मांग थी और उन्होंने तीनों को कहा कि इसको मैं करूँगा। हमने कहा कि मैं 30 तारीख तक टाइम दे रहा हूँ, 30 अगस्त तक, फिर हम आंदोलन का ऐलान करेंगे और लड़ेंगे पक्का। तो क्या अपने एक्सरे का सुने, बहुत बड़ा काम आज जो हुआ, जो हजारों लोग प्रति महीने शोषण के शिकार थे वो एक्सरे बाहर जो रेफर होता था, हमने कहा एक्सरे मशीन 8 बजे से 1:30 बजे तक क्यों चलती है, क्यों नहीं 24 घंटा चलती? कोई उत्तर नहीं था। कहे कि मैं नया हूँ, आया हूँ, मैं पता करके एक हफ्ता का टाइम दीजिए, मैं 24 घंटा चलवाऊँगा। मैंने उसको धन्यवाद दिया इस बात पर। रसना में सर्जन जनरल सर्जन नहीं है, हम न्यूरो सर्जन की क्या बात करूँ, तो जिला पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम न्यूरो सर्जन की व्यवस्था करेंगे और बलिया से ही हम सर्जन की, जनरल सर्जन हम हफ्ते में 3 दिन भेजेंगे, फिर हम 10-5 दिन में कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके ले आएंगे। जो वैक्सीन है एक डोज लेकर के दूसरी डोज के लिए घूम रहे हैं, समय खत्म हो गया है उनका। उन्होंने कहा कि सप्लाई हमको कम मिल रही है, अगर इस तरह से मिलेगी तो 2 बरस और लगेगा टीकाकरण। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
31 दिसंबर तक टीकाकरण हिंदुस्तान का कर देंगे, लेकिन बलिया में 2 वर्ष और टीकाकरण होगा। इस घोर अनियमितता स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की जितना निंदा की जाए वो कम है। अभी कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर तमाम घोटाले यहाँ पे अभी देखने को मिला, अभी बीच में कार्रवाई भी हुई। इसकी हाईकोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराने की चाहिए। इस लूट में काफ़ी लोग शामिल हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, इसकी जांच न्यायिक होनी चाहिए। इसमें उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। उच्च अधिकारी तो बिना उनके चोरी होगी कैसे? बिना थानेदार की डकैती कैसे होगी? तो मिले रहते हैं। क्रिमिनल और पुलिस का चोली दामन का रिश्ता है। तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया, पूरी तरह से हर व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं, तो उसके खिलाफ आप सिस्टम खिलाफ अपने सरकार में आवाज़ उठाएंगे? मैं किसी की सरकार में आवाज़ उठाया नहीं था। मैं अपनी सरकार ही तो लड़कर विधायक था मायावती जी की, एक गरीब कार्यकर्ता की मर्यादा पर। मैं समाज के लिए राजनीति में हूँ ना, मैं पार्टी की भावनाओं को लागू कराने के लिए राजनीति में हूँ ना। पार्टी हमारी कहती है ना कि सबका साथ सबका विकास और सबकी सुरक्षा, तो कहाँ सुरक्षा? हम हवा बिना मर जाएं, हम दवा बिना मर जाएं, हम वेंटिलेटर बिना मर जाएं, तो हमारी कहाँ सुरक्षा है? कहीं ना कहीं फेल है। फेल है। इंसान है और तमाम उनके साथ पूरे देश में परेशान। क्या कहेंगे इस पर? आपकी सरकार है इसमें, किसी की भी सरकार है, हमारी है तो और मुझे मोहब्बत है किसानों से, ताकि इनकी प्रॉब्लम हल हो जाए। कोई सनकी थोड़े हैं कि लाखों लोग आज 8 महीने से बैठे हुए हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं इस देश में कि 1 महीना इतना बड़ा आंदोलन कर ले, वहाँ अपने लगेंगे। लेकिन बधाई के पात्र हैं वो किसान जो किसानों की रोटी और माटी के लिए जिंदगी तबाह करने के लिए तुले हुए हैं और 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। अभी टिकैत भी यूपी में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं और जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या 2022 में उससे परेशानियाँ आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? किसान 70% है और शहर में भी 20% आबादी किसानों के बच्चों की और मजदूरों की, जो घर बनाकर रह रहे हैं 10% ही व्यापारी है, 20% जो हैं वो भी किसान के ही बच्चे हैं, जो कोई नौकरी में है, बिजनेस में है, बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बनाकर रह रहा है, रिटायरमेंट के बाद रह रहा है, किसान का बेटा है। और सब डरे हुए हैं कि मेरी ज़मीन बचेगी नहीं क्या, मेरी ज़मीन उद्योगपति ले लेंगे सब क्या, मेरी ज़मीन मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले हो जाएगी क्या, डरे हुए भयभीत हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार बड़े मन से इस आंदोलन को स्थगित कराने के लिए तीनों कानूनों को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दे, ताकि किसान अपने बाल बच्चों के पास जा करके अपने खेती में उनके लिए रोटी जुटा सके और देश के लिए भी। क्या जो राकेश टिकैत का जो मांग है कि तीनों कृषि कानून को वो पक्ष में नहीं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप राकेश टिकैत के पक्ष में हैं? क्या उनकी बातें सही हैं? राकेश टिकैत के कानून नहीं है, वो कानून भारत की संसद बनाई है, और अगर जब इस देश का किसान और किसान यूनियन सहमत नहीं है तो उसको वापस ही कर लेना चाहिए। फोन टैपिंग और तमाम तरह के सरकार में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से बवाल हो रहा है इस समय, क्या कहेंगे इसमें? जासूसी टेपिंग तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, यह अपराध है, यह लोगों का विश्वास तोड़ता है। लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति है, लोकतंत्र मतभेद है, मनभेद नहीं है। जिन लोगों ने भी चाहे देशी विदेशी जिन एजेंसियों ने जासूसी की है, निश्चित रूप से यह निंदनीय है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से विपक्ष आज सत्र का बहिष्कार कर रहा है, मेरे समझ से सुखराम जी के समय जो घोटाला किया था उन्होंने,
दूर संचार में 11 दिन संसद का बहिष्कार हुआ था, फिर गतिरोध टूटा। लेकिन इसमें तो लग रहा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा संसद में गतिरोध हुआ और पार्लियामेंट नहीं चल पा रहे। ऐसे में जनता के पैसे का भारी नुकसान हो रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी अगर पक्ष विपक्ष लोकतंत्र के 2 पहिए हैं। अगर पूरा विपक्ष किसी जांच की मांग कर रहा है तो उसको करा देना चाहिए, उसको तुरंत करा देना चाहिए और जनता की समस्याओं पर पार्लियामेंट में चर्चा और बहस आगे बढ़ानी चाहिए। तो जिस तरह से जासूसी को लेकर विपक्ष हमेशा आवाज़ उठा रहा है इस बात को लेकर, तो सरकार क्यों नहीं समझ रही इस चीज़ को? अब ये सरकार का विषय समझना चाहिए, ये सरकार का विषय है। लेकिन मैं एक सामान्य जमीनी कार्यकर्ता हूँ, क्या विषय है, क्यों नहीं जांच हो रही है, यह अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता इस जासूसी कांड से लोकतंत्र के प्रेमी लोग, जो सामान्य लोग हैं वो क्या समझते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। लेकिन जिनको लोकतंत्र से प्रेम है वो चाहते हैं कि किसी नेता का, किसी जज का, किसी पत्रकार का, किसी फिल्मी दुनिया के कलाकार का फोन टेपिंग नहीं होना चाहिए। यह उनकी निजता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है, किससे कौन क्या बात कर रहा है, किस पोजीशन में है। निश्चित रूप से यह अपने आप में एक घृणित काम है और सरकार को पर्दाफाश करके, इसे जांच करा करके